जय गुरुदेव। अब तकिए के नीचे रखें नींबू और फिर देखिए आप, हमारे वनस्पति तंत्र के अनुसार फल सब्जियां भी नेगेटिव एनर्जी या ब्लैक मैजिक का खुलकर संकेत देती हैं। बस देरी है तो उसके सही ढंग से प्रयोग करने की। संपूर्ण विधि किस तरह आप इसे करेंगे संपन्न। आप एक नींबू ले लें, फ्रेश नींबू, ताज़ा नींबू होना चाहिए, कोई चिक्का नहीं होना चाहिए। या तो आप खुद अपने ऊपर से उतार लें अगर आप पीड़ित हैं, या फिर कोई और भी आपके ऊपर से 7 बार इसे क्लॉकवाइज वार सकता है। फिर ये आपके तकिए के नीचे रखा जाना चाहिए। बस ये विचार करते रहें कि आपके आसपास जो ब्लैक मैजिक की पावर है वो इसमें समाती जा रही है, इसमें घुसती जा रही है। अगर वास्तव में तांत्रिक अटैक हुआ है या ब्लैक मैजिक का अटैक है, तो रात भर में ही वो नींबू का रंग काला पड़ जाएगा, वो मुरझा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो समझ ले आप पर बड़ा ही तीव्र ब्लैक मैजिक या तांत्रिक उपक्रम का अटैक हुआ है। अब इस नींबू को किसी तालाब या बहते जल में आप प्रवाह कर देंगे सुबह उठते ही, या आप सुबह उठकर इसे घर से बाहर ले जाएं और अग्नि के सपुर्द भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अग्नि के सपुर्द अगर आप इसे करते हैं तो ये बिल्कुल स्वाह हो जाना चाहिए, बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। इससे तुरंत आपको बहुत आराम लगेगा और केवल 7 बार करने से ही आप बिल्कुल स्वस्थ भी हो जाएंगे और एकदम पहले जैसे फिट हो जाएंगे, क्योंकि जल या अग्नि के संपर्क से इस तरह की काली मैली शक्तियां शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। वनस्पति तंत्र के इस ज्ञान का सही प्रयोग करके आप इसका जरूर लाभ उठाएं। जय गुरुदेव।